बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह अपने चैनल आयशा हेल्थ एंड ब्यूटी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक फेस ग्लोइंग सीरम। दोस्तों, ये सीरम ऐसा है, इससे आप किसी भी स्किन टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन पर एक्ने है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरम सारी स्किन टाइप्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। और अच्छी बात ये है कि बाजार में ऐसे सीरम बहुत महंगे मिलते हैं, जो कि कॉस्टली होते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि बाजार से लिया हुआ कॉस्मेटिक सीरम ही हमें इफेक्ट दे। ऐसे सीरम हम घर पर भी बना सकते हैं और वो भी काफी इफेक्टिव होते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, देखते रहिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और रोज वाटर यानी कि अर्की गुलाब। दोस्तों, एलोवेरा जेल के फायदे तो आप सभी जानते हैं कि स्किन को रिंकल फ्री बनाता है, स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाता है, ये सनबर्न को भी रिमूव करता है, और ये एक बहुत ही अच्छा एंटी एजेंट का काम करता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आप एक्नी और पिंपल को भी स्किन से बचा सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और नई जेल लाने में मदद करता है। ग्लिसरीन हमारे स्किन को स्मूथ बनाती है और स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ग्लिसरीन एक अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल स्किन को टाइटन करता है और स्किन को लूज होने से बचाता है। थोड़ी सी चेहरे पर जो बेरोनिकी आ जाती है, इसके लिए भी आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में है रोज वाटर यानी कि अर्की गुलाब। अर्की गुलाब स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपके चेहरे को भी गुलाब के फूल की तरह गुलाबी कर देता है। साथ ही साथ ये स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है और स्किन को रेडिएंट बनाता है। अब हम एक क्लीन बॉल लेंगे और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोज वाटर को हम अभी साइड कर देते हैं, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब वन बाय वन हम इस बॉल में एक एक चीज डालेंगे। सबसे पहले तो हम इस बॉल में 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप इसका फ्रेश जेल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले इसमें 1 ही ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। बादाम का तेल हमें थोड़ा सा लेना है, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो भी चलेगा, इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने जो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है तो बादाम का तेल इसमें ऑलरेडी होता है, तो विटामिन ई के कैप्सूल से भी काम चल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन, 1 टीस्पून इसके अंदर आप ग्लिसरीन ऐड करेंगे। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इसमें पैसे तो लगते नहीं है। ये मिक्सचर हमारा तैयार है। ये हमने फेस ग्लो क्रीम बना दी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे सीरम कैसे बनाना है। सीरम बनाने के लिए हमें इसमें अर्की गुलाब ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अर्की गुलाब, ये देख सकते हैं आप, बस इतना सा, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आपका फेस ग्लोइंग सीरम बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मूथ होता है तो इसे लगाना बहुत आसान है, ये बहुत इजीली चेहरे पर लग जाएगा। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी स्टिक हो जाएगी, इसे पूरी तरह से स्क्रब कर लेना है। इसे अप्लाई करने के बाद आपका चेहरा शाइन देगा। इस सीरम को आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, आप सुबह में
क्लींजिंग करने के बाद भी इसको लगा सकते हैं, या फिर आप शाम में भी इसको लगा सकते हैं, और आप रात में सोने से पहले भी इसे लगा सकते हैं। आफ्टर शावर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे रात में लगाकर ऐसे ही सो जाएं। इस तरह आपको और मजीद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सुबह में आपकी स्किन काफी फ्रेश और बेबी सॉफ्ट जैसी दिखेगी, बिल्कुल नर्म मुलायम, बिल्कुल नर्म मुलायम आपकी स्किन हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक में कमेंट जरूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के फीडबैक का जरूर वेट करूंगी। चलें, अभी इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।